मुझे आज ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उसने जो जो भी कमेंट किया उसकी वजह से फाल्गुनी जी मेरी पर्सनल लाइफ में, मतलब मेरे जो अभी रिसेंट मेरे बॉयफ्रेंड है उन्होंने भी मुझ पर आरोप लगाया, मतलब कि मुझे ये कहने लगे शर्लिन चोपड़ा कह रही क्या बात सच है मेरे, आज मुझे सहना पड़ रहा है फाल्गुनी जी, क्या तेरे 10 हस्बैंड है, क्या तेरे 10 बॉयफ्रेंड है, इसने तो आके मीडिया में मीडिया ट्रायल में, मतलब मीडिया में आके गंद बोल दिया, लेकिन आज मुझे भुगतना पड़ रहा है, मुझे चर्बी की दुकान कहा, मुझे नकली बाल, क्या क्या कॉकरोच चप्पल से मारूंगी, ऐसे ऐसे हरकतें बोला, ऐसे इन्होंने शूटिंग कर रही थी तीन दिन। आपके साथ हजारों औरतें हैं, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, आपके साथ जो भी हुआ है उसके लिए हम हजारों औरतें आपके साथ पीछे खड़ी कर देंगे, आप उसकी चिंता मत करिए, बोलने दीजिए, हम गारा मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड में दरार आ रही है, क्योंकि वो भी मुझे क्वेश्चन कर रहा है कि ये लड़की क्या बोल रही है, 10 हस्बैंड 10 बॉयफ्रेंड, एक लड़की को आप ऐसा बोल सकते हैं? मुझे मेरे साथ एक पहले एक रितेश का हादसा हुआ, आप जानती है वो एक एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ, तो मतलब अभी सब लोग ये मुझे यही गिनाएंगे कि ये मुझे लोग ऐसे गिनाएंगे फाल्गुनी जी, कितनी दुख की बात है। मैंने अपने पूरा 20 साल मैंने बॉलीवुड में दिया, अब मेरा कसूर क्या है दोस्तों? मेरा कसूर यही है कि मैं साजिद खान के लिए खड़े हूँ, राज कुंद्रा के लिए खड़े हूँ, वो पीड़ित आदमी लोग हैं, वो पीड़ित आदमी लोग हैं, दुनिया वो दुनिया में पीड़ित आदमी लोग हैं जिनको शर्लिन चोपड़ा ब्लैकमेल कर रही, मैं उनके लिए खड़े हूँ, उनकी औरतों को शर्लिन चोपड़ा ब्लैकमेल कर रही है, उन आदमियों को शर्लिन चोपड़ा ब्लैकमेल कर रही है कि पैसे दो वरना तुम्हारे बीवी बच्चों को स्कूलों में तुम्हारे वीडियो भेज देंगे, मैं उनके लिए उनके न्याय के लिए खड़े हूँ, तो ये मुझे कुछ भी अभद्र भाषा बोलेगी मेरे लिए? और लोग कहते राखी तुम उनके मुंह मत लग शर्लिन के, मैं क्यों ना लगूं? मैं हिपोक्रेट हूँ, मैं हाई सोसाइटी में रहती हूँ, तो क्या मुझे अपने लिए लड़ने का कोई अधिकार नहीं है? क्या ये शर्लिन चोपड़ा बार बार हमारे देश के शरीफ लोगों को और बेकसूर लोगों को इल्जाम लगाती रहेगी? तो क्या एक देश की बेटी राखी सावंत उन महिलाओं के पति के लिए, उन छोटे बच्चों के पिता के लिए, अगर मैं आके यहाँ पे उनके लिए खड़ी हूँ, न्याय मांगती हूँ और शर्लिन को मुंह तोड़ जवाब मैं देती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? उसने, मैं तीन दिन शूटिंग कर रही थी, उसने मेरे लिए इतनी अभद्र भाषा बोली, मैंने भी बोली उसको, मैंने भी उसको जवाब दिया, और मैं बकायदा गिदड़ बबकिया ने मेरे एडवोकेट को, नंबर वन एडवोकेट फाल्गुनी जी को लेकर मैं आई हूँ पुलिस स्टेशन। पुलिस अपना काम करती है, हमारे हिंदुस्तान की पुलिस जिंदाबाद, नंबर वन पुलिस है हमारी, हमारी कोर्ट जिंदाबाद। कोर्ट, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, आपको कोर्ट कचहरी जाना चाहिए, और हाँ मीडिया में आपको आपकी बात रखनी चाहिए। वेल, ये भी उसने लाइक कल भी शर्लिन ने बहुत सारे बयान दिए, ये भी कहा है कि हाथी के पीछे कुत्ते दौड़ते हैं, ये वो क्या कहना चाहेंगी हम? लाइक बैक टू बैक आपकी तरफ से कभी वार दिख रहा है तो कभी नहीं, मेरा वार नहीं है, मैं सिर्फ, देखिए आप भी एक महिला है, खुदा ना करे कभी आपके हस्बैंड के साथ, पता नहीं किसके साथ, वो आप फंसा के लेके जाके गुप्रो कैमरा, कोई कैमरा हिडन में रख के गलत हो जाता है, और वही वीडियो से आपको बार बार ब्लैकमेल करें, ब्लैकमेल करना भी फाल्गुनी जी एक गुनाह है, आप बार बार ब्लैकमेल करना भी गुनाह है, वो बंदा वीडियोस बना के दो तीन बच्चों का बाप या फिर किसी का पति किसी का बेटा वो आत्महत्या कर लेता है शर्म के मारे कि उससे गलती चलो समझो हो गई, तो उसको बार बार पैसों के लिए, आपके ऐशो आराम की जिंदगी के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए, बड़े फ्लैट के लिए, आपके अकाउंट में पैसा है ऐशो आराम के लिए, आप दूसरों को ब्लैकमेल करेंगे? दिस इज नॉट फेयर, मेरे देश में ये नहीं चलेगा। और राखी सावंत और फाल्गुनी जैसी समाज सेविका इन लोगों को, शर्लिन जैसी लड़की को सबक सिखाने बाहर जरूर आएंगी। दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, वो बेकसूरवार आदमी जो लोग हैं जिन पर एक, यहाँ पे महिलाओं को इंडिया में बहुत अच्छे कानून हैं, लेकिन कुछ महिलाएं उसका गलत फायदा उठाती है, नहीं उठाना चाहिए। साजिद खान आज एक रियलिटी शो में है, उसे पता भी नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, तो ये 4 साल कुछ नहीं करी, 5 साल 6 साल कुछ नहीं करी, नींद में सो रही थी क्या फाल्गुनी जी? ये शर्लिन चोपड़ा आज वो बिग बॉस रियलिटी शो में गया तो उसके नाम की पब्लिसिटी खा रही है, ये गलत बात है।
और कोई भी बॉलीवुड से आ नहीं रहा है बोलने के लिए, क्योंकि ये लोग हाई सोसाइटी से डरे हुए। मैं कोई किसी से डरती नहीं हूँ, और मैं समाज सेविका हूँ लोगों के लिए, मेरे हिंदुस्तान के आदमियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए मेरे दिल में प्यार है, इसीलिए मैं उनके लिए लड़ने आई हूँ। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास तो उसके खिलाफ सारे सबूत हैं पुलिस स्टेशन और कोर्ट में देने के लिए। मेरे को बोलना भी नहीं, आपको पता है मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, इससे इससे वीडियोज़ हैं कि उसने इतने आदमियों को ब्लैकमेल किया है, इतने दो तीन लोगों ने तो सुसाइड भी किया है, वो सारे वीडियोज़ हैं मेरे पास। उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को इसने ऐसे ऐसे गंदे गुप्रो कैमरा लगा के रूम में लेकर जाती है, गुप्रो कैमरा लगा के मतलब गंदगी करके वो वीडियोज़ रखे हैं, और बीवी बच्चों को मतलब शर्म आती कहते हुए कि बिजनेस टाइकून प्रोड्यूसरों को डायरेक्टरों को यू नो पहले खुद इन्विटेशन देती है, मतलब न्यूड होके जब वो रूम में आ जाते हैं तो ऐसे ऐसे वीडियोस बनाकर, शर्म आती है मुझे कहते हुए एक महिला के लिए, वो भी हिंदुस्तानी महिला के लिए शर्म आती है। फिर उनको सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल करती, अगला आत्मा अगला जो बंदे हैं, मैंने नंबर छोड़े थे ना तो उन लोगों ने मुझे वीडियो भेजे हैं, मैंने नंबर मैंने सबके सामने कल नंबर छोड़े थे तो उन्होंने उनके जो चैटिंग है इसकी शर्लिन चोपड़ा की वो दिखाई, शर्लिन चोपड़ा ने उनको न्यूड वीडियो भेजे, वो भी मुझे चैटिंग दिखाई है, सब मैं कोर्ट में पेश करूँगी। उनको ब्लैकमेल किया था, उन्होंने उनको पैसा ट्रांसफ़र किया है, वो भी सब कुछ मैं कोर्ट में दिखाऊँगी। मैं मीडिया में, आप मेरे को पूछ रहे हो इसलिए मैं मीडिया में बोल रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। ये सारी चीज़ें कोर्ट में पेश करूँगी मैं, मेरी एडवोकेट को मैंने सब दे दिया है सारे प्रूफ, क्योंकि देश भर के आदमी लोग जो जहाँ जहाँ उसने कांड किए हैं वो सारे आदमी लोगों ने, औरतों तो उनकी बीवियों को भी, आदमी तो आदमी बीवियों को भी नहीं छोड़ा है कि आपके बीवी आपके हस्बैंड का वीडियो मैं वायरल कर दूंगी मेरे साथ, अगर मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं डाले तो। शेम ऑन, आप मेहनत करो, हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके रोटी लाते हैं, खाते हैं, मीठी लगती है। आप ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, आप किसी को ब्लैकमेल करके अपने हस्बैंड का वीडियो दिखा के, ये क्राइम है। आप तो एक है ही पॉर्न स्टार, आप तो है ही एक सब, मेरे को किसी के लिए बोलना नहीं, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, आप बेशरम हो, और आप सबको देश के लोगों को इतने सालों से एक्सट्रेशन यू नो जिसको कहते हैं, मेरे को अभी एडवोकेट ने पुलिस स्टेशन को, हम पुलिस स्टेशन में मैंने सारे सबूत दिए, अभी हम कोर्ट में सारे बड़े बड़े कोर्टों में हम ये सारे प्रूफ दे रहे हैं कि कितना उन्होंने अकाउंट में मतलब पैसा मंगाया, पैसा डिमांड किया, और कितने ऐसा आदमी लोग हैं, उनकी बीवियाँ हैं, स्कूल में तक वीडियो दिखाने की धमकी दे दी है, बताओ कितनी गिरी हुई है भाई, आपके आपके बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा अगर ये उनके टीचरों को वीडियो दिखा दिए तो। एक औरत आत्महत्या और उनके बच्चों को, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। शर्लिन इतनी गिरी हुई हरकतें की है और वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाती है, क्या मुँह लेके लगाती है, वेरी बैड। इसीलिए मैंने आज कंप्लेंट करी है, मेरे पास प्रूफ के साथ करी, और बाकायदा ओशिवारे पुलिस स्टेशन में स्टैंप लगा के आपको जो मैंने वो भेजा है। साथ ही आपको लाइक कितने लोगों के और मैसेजेस एंड ऑल आए हैं, बहुत मैंने कल मेरा नंबर वायरल किया था ना, कल आप लोग आए थे वहाँ पे, परसों कल परसों तो मेरे वायरल के मुझे वहाँ से नंबर आया कि राखी दीदी मेरे पास, मैं आपको एक ही मैसेज दिखाऊंगी बट वो नंबर मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। उनके साथ भी ऐसा किया है, मैं बोलूंगी नहीं, बड़ा आप देखिए क्या लिखा है, प्लीज पढ़िए, आप प्लीज पढ़े, प्लीज पढ़िए। राखी जी, आई रियली रिस्पेक्ट यू एज अ टेक्नीशियन एंड आई हैव नॉट लाइक्ड व्हाट द शर्लिन चोपड़ा इज टॉकिंग अबाउट, प्लीज डू समथिंग अबाउट हर, थैंक यू विद द रिस्पेक्ट आरोन क्रिएटिव डायरेक्टर। कितने लोगों को शर्म आ रही है मुझे, उन्होंने वीडियोस भेजे, बल्कि हमारे साथ ऐसा किया है, हमको ब्लैकमेल करती थी कि मुझे फिल्म में लो वरना ये तुम्हारा वीडियो वायरल करेंगे, अब डायरेक्टर बोलते कि मेरे पैसे थोड़ी लगे फिल्मों में उसको जबरदस्ती लेने के लिए, एक तो बोलते सर मेरी मीटिंग करेंगे कमरे में, मीटिंग करेंगे सर, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं सबके सामने मीटिंग नहीं कर सकती, और कमरे में जाके ऐसा गोद में बैठ जाना, हाय हेलो ये सब गंदगी करना, और सामने कैमरा लगाया, मेरे को
छाती फूट आती है, मेरे को दर्द होता है सब बोलते हुए। कितने लोगों ने ऐसे वीडियो भेजे हैं मुझे, मेरे पास सारे सबके वीडियो के प्रूफ है कि हमको बंद करो, बंद कर दो भाई, दो मिनट, मुझे दुख हो रहा है ऐसे आप सोच नहीं सकते। कोई भी बीवी आत्महत्या कर लेगी, अपने बच्चों को मार डालेगी, पति पत्नी और बच्चे मर जाएंगे, ऐसे वीडियो मेरे पास। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि गॉड ने मुझे इतनी हिम्मत कहाँ से दी ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। सब कहते हैं वो तो कीचड़ है, बच जाओ कीचड़ में जाओगे तो मुंह पे कीचड़े लगेगा, मुंह पे कीचड़े लगेगा। मैं ये डर से कि मेरे मुंह पे कीचड़ लगेगा या कुछ मेरा बुरा होगा या लोग क्या समझेंगे, ये सोच के मैं शर्लिन जैसी औरतों का बुराइयों का पर्दाफाश ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आई हूँ ऐसे औरतों के खिलाफ लड़ने के लिए। बल आपने इतनी हिम्मत की और आप आगे आई हो ऐसे ही और भी। मैं उन लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि अगर सचमुच किसी भी आर्टिस्ट ने आपके साथ बुरा किया है तो फाल्गुनी जी या ऐसे बहुत सारे एडवोकेट जाओ, उनको मिलो, अगर आपके पास प्रूफ है प्रूफ दो और उनके खिलाफ केस लड़ो, है ना, सिंपल। देश का कानून बहुत अच्छा है, देश की पुलिस बहुत अच्छी दिन रात मेहनत करती है, और ये शर्लिन चोपड़ा पुलिस के खिलाफ जा रही है, देश के कानून के खिलाफ जा रही है। पहले तो सलमान खान के खिलाफ गिदड़ बकिया, सलमान खान ऐसा, सलमान खान वैसा, और कल मैंने अभी देखा उसको, मतलब होश आ गया, जल्दी अक्कल ठिकाने पे आ गए, हाथ जोड़ के बात कर रही थी, अब इसको मैं ठिकाने पे लगाती हूँ, अभी तुम देखिए ये अभी गायब हो जाएगी, देखना तुम, ये मुंह छुपा के भाग जाएगी। ऐसे ऐसे वीडियो है मेरे पास, देश की जनता है ना, देश के प्रधानमंत्री पीएम को मुझे अवार्ड देना चाहिए ऐसी महिलाओं का मुंह बंद करने के लिए। बहुत सारे लोगों का घर बचा रही हूं मैं, समझ रहे हो आप, अपना अपने आप को बदनाम करके मैं बहुत सारे लोगों का घर बचा रही हूं, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।